पूरे देश में कुचक्र कर रहा है और बिहार में भी जिस तरह परिवारवाद और विपक्ष का कुचक्र चल रहा है, तो सभी चीज को उन्होंने विपक्ष के साजिश को मुरेठा में बांध कर अयोध्या में बहाने जा रहे हैं। अपने परिवार, अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि 15 साल का कैसा शासन जंगल राज हुआ था, एक बार उसको इतिहास, हर वक्त स्कूल में भी इतिहास पढ़ाया जाए। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल। आज प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अयोध्या यात्रा पर निकले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या जा रहे हैं, जो विपक्ष पूरे देश में कुचक्र कर रहा है और बिहार में भी जिस तरह परिवारवाद और विपक्ष का कुचक्र चल रहा है, तो सभी चीज को उन्होंने विपक्ष के साजिश को मुरेठा में बांध कर अयोध्या में बहाने जा रहे हैं। लेकिन एक समय में सम्राट चौधरी कहा करते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब तक ये सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब हम अपने पगड़ी को उतारेंगे। नहीं, जब वो विपक्ष में थे तब सत्ता से बेदखल की बात हुई थी, जब नीतीश कुमार जी हमारे नेतृत्व के साथ हैं तो अपने परिवार में कोई किसी को हटाता है क्या? सवाल अभी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार जो है सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनको अपने परिवार, अपने पिताजी से पूछना चाहिए कि 15 साल का कैसा शासन जंगल राज हुआ था, एक बार उसको इतिहास, हर वक्त स्कूल में भी इतिहास पढ़ाया जाता है, तो नेता प्रतिपक्ष को भी इतिहास की किताब दीजिए, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा उनको। आप एक समय में आपने भी बयान के जरिए कहा था कि जो अपराधी हैं अगर उन पर नकेल कसा जा सकता है तो वो एक ही उपाय है कि अगर अपराधी हैं तो उन्हें ठोक दिया जाए, हालांकि सरकार अब नई कानून लेकर आ रही है। देखिए, अपराध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है और मैंने कहा था कि अपराधी जब अवैध हथियार लेके गोली चलाएंगे, चाहे पुलिस पर चलावें चाहे आम जनता पर, तो पुलिस भी गोली चलाएगी। आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पुलिस गोली चलाएगी अपराधी पर, अगर अपराधी अवैध हथियार से आम जनता और पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास करेगी। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक सर्वमान्य अच्छे नेता हैं, बहुत तो कुछ भी संभव है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व करती है। आज सम्राट चौधरी अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं, अयोध्या यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे आस्था के प्रतीक हैं और वैसी स्थिति में हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, यानी जो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, आज उनका यात्रा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगरी में जा रहे हैं, उनका दर्शन होगा, हम सभी लोग उनका इस कार्यक्रम को स्वागत करते हैं। दूसरी बात है कि जो कुछ लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उनको यह कह देना चाहते हैं कि आप अंदर में राम राम चिल्लाते हो और बाहरी वोट के राजनीति के लिए कहते हो, सनातन का विरोध करते हो। अरे, जो करना है सामने आओ और खुल कर आओ। इसलिए हमारे जो यशस्वी हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन के लिए हमारे सभी मित्र साथी आज निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल का और बीजेपी विधायक जनक सिंह का। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।